भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद दो राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है और अब ऐसे में नजरें टिकी हुई है राजस्थान पर। महंत बालकनाथ योगी एक राजनीतिज्ञ और राजस्थान में तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक है, वह बीजेपी के सदस्य हैं। बाबा बालकनाथ की अगर बात करें तो वो लगातार यहां पर मुख्यमंत्री की रेस में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीते दो राज्यों में जो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ऐलान किया है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे और जो जो चेहरे रेस में थे उनमें से किसी भी चेहरे को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बालकनाथ की राजनीतिक पारी को उनके गुरु और अलवर के पूर्व सांसद महंत चांदनाथ के आकार से यहाँ पर जाना जाता है। अपने गुरु के नक्श कदम पर चलते हुए बाबा बालकनाथ उनके उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा में बाबा जो है मस्तनाथ मठ के प्रमुख बने। उन्हें राजस्थान के अलवर से लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 3,00,000 वोटों से के अंतर से हरा दिया था। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजस्थान में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे के साथ आने वाली है और इस चेहरे में ना तो बाबा बालकनाथ और न ही यहाँ पर वसुंधरा राजे का नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो चेहरे आगे किए गए और दोनों चेहरे बिल्कुल भी रेस में नहीं बने हुए थे। इस पूरे मुद्दे पर लगातार नजरें इस बात को लेकर के टिकी है, क्या बाबा बालकनाथ को हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करना चाहेगी ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के भाजपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ पूरे मामले में बाजी मारते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।